सबसे पहले इस चैनल के देखने वाले जितने भी मेरे श्रोता हैं, माता बहन बेटी जो भी हैं, मुझे पसंद करते हैं, सबको पैर छू के प्रणाम करता हूँ। मुझे गाना में तो मज़ा वही में करता है, उसमें भी एक जो मेरी को एक्टर हैं और डांस के मास्टर हैं, ये कोरियोग्राफर एक तरीके से कोरियोग्राफर हैं, ये इन्होंने असिस्ट किया है आपके गणेश आचार्य जी को, तो ये अच्छी डांसर हैं, अच्छी एक्ट्रेस हैं, सुंदर भी बहुत हैं, आप लोग देख ही रहे हैं। किस तरह जो फिल्म है आतंकवादी, तो किस तरह का रोल है आपका इस फिल्म में? अब नाम आतंकवादी है तो रोलो उसने होगा, नामों के हिसाब से ना होता है। तो आपका क्या? मेरा ये है जी बाबू, मुड़ी में ढील हो गए हैं बहुत ज़्यादा, नहाना बहुत कम हो रहा है ना। रोल ये है कि देखिए, इंसान के ऊपर जब मजबूरियां होती हैं तो अपने रास्ते चेंज बदलता है, वैसा ही इस फिल्म में भी है कि जब प्रॉब्लम होती है और प्रशासनिक जब प्रॉब्लम किसी एक निर्दोष आदमी को सताया जाता है और उसको टॉर्चर किया जाता है, तो एक आम आदमी क्या बन सकता है, क्योंकि उसके पास तो पैसे नहीं है, कोई सपोर्ट नहीं है, बहुत सारी चीज़ें, और इस स्थितियों में मैं आतंकवादी बन जाता हूँ। और सिस्टम को सुधारने के लिए उसमें मैं किसी गरीब को क्षति कोई नहीं पहुँचा रहा हूँ, सिस्टम को सुधारता है कैसे एक आम आदमी, जब आम आदमी को मुसीबत आती है तो आम आदमी अपने आप को कैसे चेंज करता है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ कि हर आम आदमी के ऊपर अगर ऐसी प्रॉब्लम हो तो आतंकवादी बन जाए, बिल्कुल नहीं, ये गलत है। लेकिन हाँ, जो लोग सिस्टम से ज़्यादा कष्ट में हो जाते हैं उनको बनने पे सिस्टम ही मजबूर करता है, और कहीं ना कहीं किसी को कोई आदमी अगर इस टाइप के कदम उठाता है तो उसके ज़िम्मेदार कहीं ना कहीं सिस्टम होता है, क्योंकि उसकी बातें सुनी नहीं जाती है, उसको टॉर्चर किया जाता है, बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। तो आतंकवादी एक ऐसी फिल्म है, और भोजपुरी इंडस्ट्री के मुझे नहीं लगता कि इतना खतरनाक लुक कभी भोजपुरी इंडस्ट्री में आया होगा जो आतंकवादी में लुक है मेरा। अभी तक बहुत सारे फिल्म बने हैं, लेकिन इस टाइप का जो इसमें मेरा किरदार है, मैं इसके लिए पिछली बहुत ज़्यादा वर्कआउट किया, बॉडी वॉडी सब कुछ बनाना पड़ा मुझे इसके लिए, बहुत सारा वर्कआउट, दो दो घंटा, तीन तीन घंटा शूटिंग, 11 बजे पिकअप होता था, उसके बावजूद भी मैं 3 घंटे तक जिम करता था, और ये तो मेरे साथ ही रहती थी, क्योंकि इनको भी वर्कआउट कराता था मैं कि आप भी करिए, मेहनत साथ में करिए, तो इनका 10 किलो वजन खींच दिया मैंने कम कर दिया, 10 किलो वजन इनका भी कम हुआ ना जी, और इनका भी 12 किलो कम हुआ। पहले 22 किलो की थी, अभी कितना है? 32 किलो। ये चीज़ एकदम सही है कि सारे जी एक्शन करते थे, फाइट करते थे, उसके बाद भी इतने थकने के बाद भी वो 2 घंटा 3 घंटा जिम ज़रूर करते थे, और मैं भी 1.5 घंटा ठीक है उनके साथ में करती थी जिम, बट वो इतने एनर्जेटिक है कि इतना एक्शन करने के बाद, जहाँ डांस करने के बाद हम लोग सोचते हैं कि थक गए हैं, वो तब भी इतना चार्ज, जबकि नहीं, इसके बाद 3 घंटा हम लोग को जिम करना है, 2 घंटा जिम करना है, शूटिंग यहाँ ख़त्म हुआ, पैकअप हुआ, सीधा वहीं से जिम, कई बार ब्रेक में वो 1 घंटा, अभी टाइम अच्छा शॉर्ट में 1 घंटा जिम, तो उनका जिम देख देख के मैं तो पगला गई, मैं पागल हो गई, मुझे लगा कि यार ये इतना जिम कर रहे हैं तो मुझे भी आई थिंक उतना नहीं तो आधा तो मैं करूँ जिम। लोग मेहनत देखकर प्यार कर जाते हैं, ये पहली ऐसी लड़की है जो मेहनत देखकर पगला गई। मुझे खुशी होता कि इनको ये बोलती कि इनका मेहनत देखकर मुझे तुमसे प्यार हो गया, क्योंकि पहली लड़की है कि पगला गई तो जो पागल आदमी से प्यारे करके क्या करेगा आदमी, कोई अच्छा। कोई नहीं होता है, हर आदमी पगलाता है, जब पागल होता है तभी तो प्यार होता है, पागलपनी प्यार होता है। अच्छा, इसका मतलब प्यार है आपके अंदर? अरे आप तो बहुत अच्छे हैं, आपसे बहुत ज्यादा प्यार है, खिसारी जी बहुत प्यारे इंसान है और बहुत प्यारे। कौन, भाई बहन वाला? नहीं, भाई बहन वाला नहीं है, दोस्त वाला प्यार है। और इस जो आतंकवादी पिक्चर है, इसके प्रोड्यूसर है प्रेम राय जी, और उन्होंने इस पिक्चर में इतना छूट दिया है, हर लोकेशन के लिए, हर चीज़ों के लिए फुल ऑन और पूरा उन्होंने सपोर्ट किया है पिक्चर को, जिससे भी पिक्चर बहुत अच्छी बन पा रही है। डायरेक्टर है इसके MI राज जी, और इस पिक्चर में हमारे साथ एक बहुत क्यूट सी हीरोइन और भी हैं, बहुत ही प्यारी एक्ट्रेस हैं, प्रिया सिंह, तो हम लोग की सबकी एकदम केमिस्ट्री मिलकर जब स्क्रीन में आएगी, और बाबा अवधेश मिश्रा जी भी है इस मूवी में, तो हम लोग की सबकी केमिस्ट्री जब, और रंजीत जी जो हिंदी के स्टार विलेन है, रंजीत जी जो मेन किरदार में हैं और मेन आतंकवादी वही रहते हैं, फिर बहुत सारी चीज़ें होती है जब कहानी आएगी तो शायद मेरे लाइफ की अद्भुत है। मैंने ऐसा आज तक रोल नहीं किया है जो मुझे इस फिल्म में MI राज जी ने कराया, और बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं, बहुत अच्छे टेक्नीशियन, नेचर गुड नेचर, इसमें हम लोगों को सबसे ज़्यादा अगर किसी ने हेल्प किया है तो निशान जी जो लोकेशन हम लोग को चाहिए था एकदम टाइम से मिल जाता था हम लोग को,
10 बजे अगर का शूटिंग है तो हम लोग को 9 बजे वो लोकेशन बिल्कुल हाजिर हो जाता था। तो उनका मेहनत इस फिल्म में जो था उसके लिए मैं क्या बोलूँ, तो ऐसे लोगों के लिए मैं भगवान से दुआ करता हूँ कि भगवान ऐसे ही नेचर भगवान और ऐसे ही मेहनत उनके अंदर भरे ताकि हम लोग को शूटिंग में डिस्टर्ब नाम की कोई चीज़ ही ना रहे। और मेरे भाई हैं वो निशान जी जो हैं, और प्रेम जी के लाडले हैं वो, उनके भी भाई हैं, और ये मेरा बेटा है जो हमारे प्रोड्यूसर साहब का, हमारा क्या नाम बाबू आपका, श्रेष्ठ फिल्म जो इनके ही नाम पे ये बैनर है, प्रेम राय जी जो मेरे बड़े भाई हैं उनका ये लाडला है, मेरा भी लाडला है ये। बहुत अच्छा डांस भी करता है, ब्रेक डांस करता है। तो आप सबका प्यार इस फिल्म को चाहिए और ढेर सारा प्यार दीजिए, दुआ करिए और नए साल की ढेर सारी शुभकामना इस चैनल को देखने वाली जितने मेरे श्रोता हैं, हमारे तरफ से नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं, हैप्पी न्यू ईयर। तो आप लोग ऐसे ही प्यार देते रहिए हमें, और इधर आइए थोड़ा, इधर आइए, अभी आपको मिलवाते हैं ये। हेलो हेलो हेलो, ये मेरी बहन है इस फिल्म में बहन है, रियल में नहीं है। हैंडसम हीरो का रियल में तो बहन बनना भी नहीं चाहिए। अरे ऐसा देखिए, हम स्क्रीन पे जिसको बहन बना लेते हैं वो मेरे आजीवन बहन की रूप में रहती है, और मैं हमेशा चाहूँगा कि इस रिश्ते को मैं कभी लांघने की कोशिश ना करूँ। अब बहन ही अच्छी लगती हैं, और ठीक है हमारा रिलेशन एक स्क्रीन पे ही है, लेकिन इस स्क्रीन को कभी हम चाहेंगे जो स्क्रीन को भी हमेशा हम बरकरार रखें अपने जीवन अपने मन में। मैंने अगर एक बार बहन आपको बोल दिया है तो उस दायरे को मैं कभी पार करने की कोशिश नहीं करूँगा। हाँ, एज ए हीरोइन आप काम करेंगी तो उस समय मेरा एक नज़रिया आपके प्रति अलग होगा, लेकिन पर्दे के बाहर फिर मैं आप मेरी बहन हो जाएंगी। तो आप हमेशा, क्योंकि देखिए हम लोग रिश्तों की बहुत अहमियत रखते हैं और हमारे नज़र में रिश्ते बहुत बड़ा होता है, और रिश्ते जो होता है किताब की तरह होता है, और हम उस किताब को कभी गंदा करना नहीं चाहेंगे, क्योंकि ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। और प्रिया बहुत अच्छी एक्ट्रेस हैं, इनके साथ मेरा ये दूसरा फिल्म, तीसरा फिल्म आइटम सॉन्ग मोबाइल साला दूध पिया था, हाँ मोबाइल साला दूध तो गाना था, इन्होंने आइटम सॉन्ग किया था उसमें। तो बहुत अच्छी एक्ट्रेस हैं, और ये पूरी फिल्म जब आप सब देखेंगे तो शायद आप सबको, और इतना प्यार दीजिए मेरे आतंकवादी को और इस आतंकवादी को, अपने भाई को आतंकवादी समझ के नहीं, अपना भाई, अपना बेटा, अपना भतीजा, अपना एक गरीब का बच्चा, जो भी समझ के आप मुझे आशीर्वाद दीजिएगा और इस फिल्म को ढेर सारा प्यार। इनकमिंग मेहंदी लगा के रखना है मेरा दुल्हन गंगा पार के बाबरी मस्जिद, उसके बाद आपको दिलवाला, लगातार मेरी फिल्में हैं जो आप सबके बीच में आने वाली है, तो आप मेरे सारे फिल्मों का प्यार जिस तरह देते हो वैसा ही दीजिए। और मेरे तरफ से नए साल की ढेर सारी शुभकामना, ढेर सारी बधाइयाँ, ढेर सारी खुशी आप सबके घर में आए, ताकि आप खुश रहेंगे तो खेसारी लाल ऐसे ही खुश रहेंगे। बाय, नमस्ते।